आराम से। गुड, आप मिस्त्री तब तक नहीं बनोगे जब तक आप पेंसिल को ऐसे नहीं लगाओगे। तो ये बन गया मिस्त्री आज एक। हेलो फ्रेंड्स, राम राम जी। कैसे हैं आप? आई थिंक अच्छे ही होंगे। मैं भी यहाँ बहुत अच्छी हूँ और बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है आज। ये देखिए, मैंने अभी अभी यहाँ पर जोत जलाई है और अगरबत्ती जलाई है, तो उसकी जो खुशबू है ना, वो बहुत अच्छी आ रही है। और जो ये व्लॉग बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ, ये किस चीज़ के लिए है? मेन है कि आज हम दिखाते हैं एक DIY। एक DIY हमने किया है। और ये देखिए, मेरे ऊपर जो रिफ्लेक्शन आप देख रहे होंगे, वो गोल्डन कलर का आ रहा है, यानी कि येलो कलर का। और मेरे फेस पे दिख रहा होगा आपको, एकदम गोल्डनिश येलो कलर आ रहा है। वो किस चीज़ का है? तो वो देखिए, इस चीज़ का मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये दिख रहा है, ये है। हमने एक शोपीस बनाया है, मैंने और आर्चिक ने मिलके। और भाई, मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और मैंने इसीलिए यहाँ पर लगवा दिया है ये। और जिसकी जिसकी डिज़ाइन है ना, वो मैंने और आर्चिक ने बनाई है अपने हाथों से। कुछ पेंट किया है, कुछ जोड़ तोड़ कुछ करके, पता नहीं क्या क्या करके हमने ये बना डाला और हमने इसको लगा डाला। और हमें तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा था, तो यही सोचा कि थोड़ी सी तारीफ़ क्यों ना आपसे भी ली जाए। तो आप मुझे बताना कि ये कैसा लग रहा है, कैसी लग रही है ये लाइट। और अगर आपको अच्छी लगे तो बिना कमेंट करे मत जाना प्लीज़। ओके, कमेंट ज़रूर करना, अगर अच्छी लगे तो भी, बुरी लगे तो भी, ठीक लगे तो भी, और ब्ला ब्ला ब्ला, ABCD, आपको जो भी लगी है, जो भी आपको लगी, जैसी भी आपको लगी, आप कमेंट ज़रूर करना। ओके, चलो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसको डिटेल में, कि मैंने इसको कैसे कैसे बनाया, फिर कहाँ लगाया, कैसे लगाया। स्क्रीन कर लो उसे। हाँ, आराम से। आराम से। गुड, आप मिस्त्री तब तक नहीं बनोगे जब तक आप पेंसिल को ऐसे नहीं लगाओगे। तो ये बन गया मिस्त्री आज एक। बस बस, टाइल टूट जाएगी बेटा। ये देखिए, ये हमारा जो भगोना है ना, ये एक पीतल का भगोना है। और ये हमारा मैजिक बॉक्स है, जो डोरीमोन की पैकेट, सॉरी, जो डोरीमोन का पॉकेट होती है ना, ये वाली आएगी। दही वाली, यो वाली, ये भी आएगी। लगा ऐसे। फिनिशिंग से दे दे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है, ये
ये यहाँ पर मैंने आपको प्लांट्स कितनी बार दिखाए हैं, मैंने ये जो है पॉट्स बनवाए हुए हैं, एक वॉल पे रखे हुए हैं, अभी ये कंप्लीट नहीं हुए हैं, बन तो गए हैं लेकिन अभी भी इन पे पेंट बाकी है, इन पे पॉलिश होनी है, इस पे भी और इस पे भी। और वहाँ एक गेट आप हमेशा देखते होंगे मेरा विदाउट पॉलिश है, ये वाला भी और ये वाला भी, तो इन पे सब पे पॉलिश होनी है। पॉलिश होने के बाद जो है इसका रूम का जो है लुक, जो लॉबी है मेरी, इसका जो कंप्लीट होगा लुक, अभी कुछ कर्टेंस वगैरह भी आने हैं, वो अभी आए नहीं है। तो ये देखिए, मैं इस तरीके का जो है, मैंने ये जो लाइट है, ये वाली लाइट, ये देखिए, ये जो है इसमें तीन है, एक दो इधर, ये देखिए ये साइकिल है और ये तीन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल हैं इसमें, तो बीच में एक साइकिल है, उसके बीच में बल्ब लगा हुआ एक ये है। तो मैं लाइट ऑफ करके आपको दिखा देती हूँ तो आपको आइडिया अच्छे से लग जाएगा। ये देखिए, ये मैंने लाइट ऑफ़ की और ये देखिए, और अगर मैंने एक लाइट ऑन कर देती हूँ तो आप ये देखिए इस तरीके से आप देख लीजिए, सॉरी ये देखिए, तो ये लगी हुई है यहाँ, ये देखिए इस पे ऊपर जो ये वाला है ना, यहाँ पर ये विंडो आ गई, यहाँ पर ये सीढ़ियाँ हैं इधर, और यहाँ पर ये लगा हुआ, और इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर जो है ये देखिए, ये लैंप लगे हुए हैं इसमें। और मैं आपको एक लुक इधर से भी दिखाती हूँ। अब देखिए, मैं एक बार ये वाली लाइट ऑन करती हूँ जब आपको दिखाई देगा। तो अब देखिए, मैंने ये ऊपर वाली, इधर वाली जो लाइट्स हैं वो ऑन कर दी हैं, और ये दिखा रही हूँ मैं आपको, ये बीच में इधर साइकिल लगी हुई है, उसके बीच में बल्ब लगा हुआ है, ये ट्रायंगल है, इसके बीच में बल्ब लगा हुआ है, इधर भी बल्ब लगा हुआ है, और जो बीच में ये देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे, तो ये जो बोर्ड के टुकड़े होते हैं ना, वो हमारे एक्स्ट्रा पड़े थे, वेस्ट पड़े थे, तो उनसे हमने ये लाइट बना दी है, और इसके ऊपर कॉपर कलर कर दिया। ये देखिए, ऊपर से इसको हैंग करने के लिए, ये देखिए आर्चिक भी आ गया है। तो अभी बेटा मैं इसे दिखा रही थी, चल ठीक दिख रहा हो, तो ये हैंग करने के लिए ऊपर से मैंने इसमें रस्सी लगा दी है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मेरी एक वेस्ट मटेरियल वाली जो वीडियो है उसमें, तो इसको शायद सॉसर बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, अच्छी क्या बोलते हैं इसको, तो आज कह रहा है कप के नीचे रखने वाली प्लेट। तो भाई ये है कप के नीचे रखने वाली जो प्लेट्स आती हैं ना उस तरीके की, तो ये वुडन थी और मैंने यहाँ पर अटैच करवा दी। और ये भी आर्चिक का ही आइडिया था कि इसको यहाँ पर इसको अटैच करवा दो और इसके नीचे फिर रस्सियाँ हमने लगा दी। ये देखिए इस तरीके से। तो मैं तो सोच रही हूँ कि इसमें ब्लैक कलर की चेन ही लगा दें हम, लेकिन आर्चिक को अच्छी लगी ये रस्सियाँ, तो जब मेरा मन करेगा ना कुछ दिन के बाद, फिर मैं इसमें चेन लगा दूँगी ब्लैक कलर की। और ये ईजी है, इसमें हैंग करना, बस हुक लगे हुए, उसमें हमने रस्सी को लटका दिया और इसमें ये तीन लाइट्स लगा दी हैं। और इधर लगे हुए हैं ये गणेश जी, प्यारे से जय हो गणेश जी की, आप सबको इनका आशीर्वाद। तो इनके साथ ही लगी हुई है ये लाइट, और बस इसके नीचे रखे हुए हैं मेरे पौधे। यही मेरी डेकोरेशन थी, यहाँ का जो करने का आइडिया था मैंने यही किया था। बट सिंगोनियम की जगह पर जो मैंने सोचा था, वो सोचा था कि मैंने यहाँ स्नेक प्लांट्स रखूँगी इधर, तो स्नेक प्लांट्स मैं यहाँ लेकर आऊँगी, अभी लेकर नहीं आई हूँ, अभी टाइम ही नहीं मिलता है मुझे, तो जिस दिन टाइम मिलेगा तो मैं, जब लंबे वाले मुझे स्नेक प्लांट्स मिल जाएंगे वो मैं लेकर आऊँगी, और वो यहाँ तक इतने ऊँचे आएंगे लगभग लाइट्स के, एक डेढ़ फिट नीचे तक, और उसकी जो लंबी लंबी जो डंडियाँ होती हैं ना, इस तरीके से जो लीव्स होती हैं डंडियाँ नहीं, वो यहाँ पर आएंगी और उनकी रौनक अलग से ही होगी। जब मैं ये चेंज करूँगी ना वो आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो चेंज तो मैं आपको छोटा मोटा हर एक जो होता रहता है वो मैं आपको हमेशा दिखाती रहती हूँ। ये देखिए इस तरीके से, ये यहाँ पर, ये भी मैं आपको कई बार दिखा चुकी हूँ, ये सीढ़ियों में रखा हुआ है। यहाँ पर जो लगाने का प्लान है मेरा, ग्रास मैट जो होता है वो मैं कटवा के लाऊँगी और वो मैं लगा दूँगी। तो यहाँ पर फ़िलहाल यही था। और ये बोर्ड मैंने कैसे कैसे बनाए, क्या क्या मैंने किया, वो सारा, पहले ये बोर्ड के टुकड़े थे वो हमने अटैच किए, जोड़े फेविकोल से और कील से, और फिर उसके बाद हमने इस पर पेंट कर दिया। पेंट करने के बाद फिर इसमें हमने छेद कर दिए ड्रिल मशीन से, ड्रिल मशीन टोटली हमारा बना हुआ है। और ये सारा जो है, ये तीनों लाइट्स जो है ये गिफ्टेड थी, तो इस गिफ्ट को मैं यादगार बनाना चाहती थी, तो मैंने ये यहाँ पर लगा दिए और ये टोटली हैंडमेड लाइट हो गई है। और आप मुझे बताइए ये लाइट कैसी लग रही है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये लाइट कैसी लगी बताओ।
अच्छी लगी ना भाई, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, आरजी को भी बहुत अच्छी लग रही है और मेरे घर में सबको अच्छी लगी। और यहाँ लगाई इसलिए थी क्योंकि कुछ अलग हटके लग रही थी, और जब अपना टैलेंट होता है तो वो इसीलिए वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। फाइनल आप करेंगे कि अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है, क्योंकि जब हमने बनाई है तो हमें अच्छी लगेगी, ऑब्वियसली हमें अच्छी लगेगी, तो इसलिए हमें बहुत अच्छी लग रही है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है, मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। प्लीज़ 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 प्लीज़। राम राम जी, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, बाय। तो हो अब हम चलते हैं, बाय बाय करते हैं आपको। और आर्चिक को लगी है भूख और आर्चिक खाएगा अब दूध पिएगी, बॉटल से दूध पिएगी। ये बचपन में ऐसे ही कहता था, बतीता दूध ला दो। तो चलिए अब हम इसके लिए कुछ खाने के लिए बना देते हैं। तो जय हो भगवान जी की, बाय। राम राम जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। लीजिए, लाइट भी आ गई और मेरे मंदिर की लाइट भी जल गई, देखिए ब्लू कलर की लाइट जलती है तो अच्छा लगता है। जय हो भगवान जी की।